जब ही पहली बार माधव मिश्रा प्ले किया था ऐसा लगा था 3 सीजन के बाद भी हम डिस्कस कर रहे होंगे? नहीं, सोचा था 3 पार्ट, तीसरे पार्ट तक हम पहुंच जाएंगे। आज हम इंस्टाग्राम खोलते हैं तो माधव मिश्रा के मीम बने हुए हैं, कोई जोक्स बने हुए हैं, ऐसा क्या है जो everyone can just connect? इसकी हरकतें जो है इतने कॉमन आदमी वाली होती है ना कि हर कोई लगेगा यार ये तो ट्रेन में हमारे बाजू में बैठा था तो आपको माधव मिश्रा, आप नजर घुमाओगे तो 2-4 माधव मिश्रा दिख जाएंगे। आई रियली एंजॉयड OTT बिकॉज़ द स्टोरी टेलिंग का भी एक मजा है। साला इंट्रोड्यूस हो गए हम मेरे बिहार से, दैट्स द फ्रेशेस्ट थिंग, एक साला आ जाता है बिहार से। वो तो मैं बहुत कंट्रोल करता था, नहीं तो एक साला जीजा का अलग सीरीज बन जाता। किसी लॉयर से बात हुई है ये प्ले करने के बाद? हाँ हाँ, बहुत। 30,000 कोर्ट में गया तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट सच सेक्रेटरी सब आ गए थे, सुशील मा 30,000 के पास कर रहे थे दिल्ली। हाँ। तो आ गए वहाँ के, भाई हम ये हैं, तो लॉयर कम्युनिटी भी मुझे सम्मानित करना चाहता। अरे वाह। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ऐसे कोर्ट में लाने का। मैंने पहला ऐसा इंटरव्यू कभी नहीं किया है कि एक कोर्ट में बैठ के, तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। राइट, रोहन, टू यू फर्स्ट, व्हाट कॉल्स फॉर अ न्यू सीजन? ये बात कि पहला सीजन बहुत चल गया या फिर कहानी थी आपके पास टू टेक इट अहेड? आई थिंक इट्स ऑलवेज की कहानी होनी चाहिए। लकीली कि इस शो के DNA में ही है कि हर बार एक नया केस बन सकता है, बट ऑब्वियसली आप आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक वो कहानी में आपको कॉन्फिडेंस ना हो, यू नो। एंड ऑब्वियसली मुझे, मैं क्रेडिट देना चाहूँगा टू इट्स अप्लॉज एंड BBC जो वो जिम्मेदारी ज़्यादा उठाते हैं, एंड एक पॉइंट पे जब उनको लग रहा है कि सब सही हो रहा है, देन दैट्स व्हेन आई गॉट इन्वॉल्व एंड देन वो उसको डेवलप करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। राइट, पंकज जी, जब ही पहली बार माधव मिश्रा प्ले किया था ऐसा लगा था 3 सीजन के बाद भी हम डिस्कस कर रहे होंगे? नहीं लगा था मुझे, नहीं लगा था। श्रीधर राघवन ने कहानी सुनाई, बढ़िया लगा। बोले कि तुम्हें देखना है तो नाइट देख लो, वो क्रिमिनल जस्टिस ब्रिटेन वाला। मैं बोला मुझे नहीं देखना है, मेरे लिए ओरिजिनल नया रोल है, मुझे मत दिखाओ। राइट, तो नहीं, सोचा था 3 पार्ट, तीसरे पार्ट तक हम पहुंच जाएंगे। आई थिंक वो एक अलग दुनिया ही था, जैंग था, हॉटस्टार स्पेशल्स, फर्स्ट, राइट, फर्स्ट स्पेशल, फर्स्ट स्पेशल था। नाउ 4 इयर्स, 4 1/2 इयर्स लेटर, इट्स लाइक वी आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। लेसन ये है कि अच्छा कंटेंट हमेशा चलेगा। जी, कंटेंट अच्छा होगा, इंडस्ट्री पिछले 4 साल में पैदा ही हुआ है ना। करेक्ट करेक्ट, आई थिंक criminal justice has grown along with this whole phenomenon that has come to us. क्या ऐसी बात है जो आज हम Instagram खोलते हैं तो माधव मिश्रा के मीम बने हुए हैं, कोई जोक्स बने हुए हैं, ऐसा क्या है जो everyone can just connect, हर एक कहीं ना कहीं relate करता है? I think वो माधव मिश्रा की relatability है। इसकी हरकतें जो है इतने common आदमी वाली होती है ना कि हर कोई लगेगा यार ये तो ट्रेन में हमारे बाजू में बैठा था तो आपको माधव मिश्रा, आप नजर घुमाओगे तो 2-4 माधव मिश्रा दिख जाएंगे क्योंकि ये इतना कॉमन व्यक्ति है ना। राइट, और प्लस थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका सार्केजम, इसका ह्यूमर बड़ा सटायरिकल है, तो इसकी वजह से मैं एक आउटसाइडर है, बिहार से आया है, सबसे बड़े शहर, वेरी रिलेटेबल, वही शहर का जो वो हिस्सा, जो लॉयर्स एंड वो जजेस, जुडिशरी, जो जिसमें सबसे ज्यादा वो स्टेटस का एक इतना अंतर है, एंड आई थिंक वी ऑलवेज एंजॉय गुड अंडरडॉग स्टोरी। या एंड बट यू नो, टेल मी, यू आल्सो मस्ट हैव सीन द मीम्स, व्हाट इज इट, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू एज द मेकर ऑफ दिस, यू सी कि जस्ट इट जस्ट क्लिक्स विद एवरीवन, कोई भी हो, एज ग्रुप, क्लास? ज्यादा एनालाइज करेंगे तो हम लोग फॉल्टर करेंगे, यू नो, देन वो कॉन्शियस होके फिर वो करने की कोशिश करेंगे, एंड फिर तो आई थिंक जो जब एक इंस्टिंक्टिव लेवल पे हमें, आई थिंक हम अगर जनवरी में शूटिंग कर रहे थे, अभी अगस्त में ही हो रहा है, तो अच्छी बात यह है जब शूटिंग करते वक्त आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाता है। आई थिंक जो सही लग रहा है सेट पे, जो हमारी जजमेंट है कि हाँ इसको थोड़ा और करते हैं या इसका एक अलग एक तरीका है, वो दैट इज द बेस्ट जजमेंट फॉर अस। बाकी देन इट गोज, बाय द टाइम इट गोज टू द ऑडियंस, इतना हमारे कंट्रोल के बाहर है, बट वी जस्ट थैंकफुल कि I think the little thing is because इतने dark show में थोड़ा वो humor unexpected places से मिलता है, and the I think the
nice thing both writing के level पे और performance के level पे वो फिर भी unbalanced नहीं लग रहा है you know एक हमेशा तो it gives you the right relief तो apart from the legal drama आप उनके character से जुड़ जाते हो उनके relationships complications भी एक एक and that's the beauty of shows also ना एक film में आप इतने सारे layers नहीं दिखा सकते नहीं दिखा सकते 100 minute में but जब आपको 300 minute है तो ये सब nuances के लिए एक भी मौका मिलता है तो I think that helps then for people to really feel they know Madhav and उनकी हर हरकत को पकड़ते हैं and उनको enjoy करते हैं right मंगल जी इस season में आप audience को बताना चाहेंगे आपके you know सब हर चीज में interest है इनकी wife के साथ जो relation है उसमें भी interest है इनकी personal life में भी क्या देखने मिलेगा इस season में थोड़ा और देखने मिलेगा उनके बारे में और केस क्या है जुबिनाइल जस्टिस के ऊपर केस है एक बच्चा एक अपराध में फंस जाता है और जुबिनाइल जस्टिस भी हमारे देश के लिए नया है आम लोग उतना कम नहीं जानते हैं मैं भी नहीं जानता था शूटिंग के पहले इतना कुछ ओके तो जुबिनाइल जस्टिस का केस है जीवन में रत्ना है एक साला इंट्रोड्यूस हो गए हमारे बिहार से फ्रेशेस्ट थिंग एक साला आ जाता है बिहार से तो मैं बहुत कंट्रोल करता था नहीं तो एक साला जीजा का अलग सीरीज बन जाता तो एंड वो पेपर पे एक छोटी सी बट इतना मजा आया आत्मा प्रकाश जो एक्टर है इनके साथ काम करते गए मोमेंट्स बनते गए तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट विल बी आई थिंक फॉर द माधव के जो रिलेशनशिप्स है इट्स अ नाइस न्यू फ्रेश एंगल अमेजिंग रोहन यू सीम टू बी रियली एंजॉयिंग द ओटीटी स्पेस व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज इन योर हैंड्स एज द मेकर ग्रेट एक्टर्स राइटिंग ऑफ कोर्स एंड ग्रेट एक्टर्स एंड आई मीन ग्रेट एक्टर्स ऑफ कोर्स द टैलेंट बट एक काबिलियत भी होनी चाहिए बिकॉज अगर जैसे वी डिड दिस शो ऑलवेज इज अ टाइम कंस्ट्रेंट लाइक सो यू आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस फिल्म की जो क्वालिटी है बट यू आर डूइंग इट एट द पेस ऑफ टेलीविजन ऑलमोस्ट करेक्ट तो दैट इज द किक ऑफ इट एक बहुत मुश्किल एक हार है उसके लिए इफ यू हैव ग्रेट राइटर्स I mean, great actors and performing, then you know कि उन पे pressure डाल सकते हो कि चलिए अभी ये एक shot में कर लेंगे अच्छा with other actors you can't even think of that when you have to break it down but when you know you can rely on wonderful actors then and that is the most fun for me that's what I really enjoy You know, we are in times when films business has become the most risky. You are enjoying this is this box office hammer is not on your head. Of course, there's a filmmaking ka ek alag pressure hai, uska ek alag payoff bhi hai. So I think, but yeah, I think it's a challenging time. I think iski kaafi analysis ho rahi hai aajkal. I think kisi ko jawab पता नहीं है नहीं तो वो हिट फिल्म में हर फ्राइडे हमें ये तो 100 साल से चल रहा है ये 100 साल से चल रहा है बट डेफिनेटली हर एक नए एनवायरनमेंट में पैंडेमिक के बाद आई थिंक ऑडियंसेस को भी एक अलग एक्सपोजर मिला है एंड आई थिंक इवन वर्ल्ड वाइड ये फिनोमेनन है कि वहाँ फिल्में चल रही है बट कम फिल्में बन रही हैं तो प्रेशर हर जगह है आई थिंक लेकिन हमें कमिंग बैक टू दैट आई हैव रियली एंजॉयड ओटीटी बिकॉज द स्टोरी टेलिंग का भी एक उनको इतना जगह देना बहुत मुश्किल होगा राइट राइट पंकज जी आपको लॉ और लीगल ये सब चीज कोर्ट रूम के बारे में डिड इट हैपन कि आपको काफी कुछ अब पता चला है बिकॉज यू प्लेड दिस पार्ट फॉर सो लॉन्ग नहीं नहीं इसके दरमियान बहुत कुछ पता चला है पहले से मालूम नहीं था आज तक जीवन में कभी मैं अदालत कोर्ट कचहरी गया नहीं ना केस मुकदमा बहुत अच्छी बात है हाँ तो इसके करते हुए मुझे तो ये डिफेंस क्या है और प्रोसिक्यूशन क्या है भी नहीं पता था तो करते हुए बहुत कुछ मालूम चला अगर आप लॉयर होते कुछ कुछ ऐसे होते माधव मिश्रा जैसे हाँ ऐसा ही होता और मैं फर्टीचर टाइप मतलब फर्टीचर ही है ना ये माधव मिश्रा कि उनका कुछ बहुत चलता नहीं या क्या पता लॉयर होता तो ज्यादा थोड़ा सयाना हो गया होता पता नहीं मुझे नहीं मालूम नो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मुझे अरे वो याद है अभी कि एक सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी है जो जरूरतमंदों को लीगल सहयोग देती है उसके कुछ क्राइटेरिया है कि कौन लोग आएंगे उसमें तो उसके लिए मुझे पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से किसी का मेल आया और बातचीत किया कि हम चाहते हैं कि आप इसके लिए एक अवेयरनेस वीडियो बना के अरे वाह ताकि आप कानून मान ली हमारे सुप्रीम कोर्ट में और बाकी जगह कानूनी मतलब वकील और जजों के बीच में क्रिमिनल जस्टिस काफी पॉपुलर है ओ, तो मैंने बनाया है वो उसके वेबसाइट पे है वो अरे वाह
तो लॉयर्स आपके पास आते हैं, किसी लॉयर से बात हुई है ये प्ले करने के बाद? हाँ हाँ, बहुत। तीस हजारी कोर्ट में गया तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सब आ गए थे, तीस हजारी के पास कर रहे थे दिल्ली। हाँ। तो आ गए वहाँ के, भाई हम ये हैं, तो लॉयर कम्युनिटी भी मुझे सम्मानित करना चाहता है। अरे वाह, क्या बात है। एज एन एक्टर यू गेट टू डू सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ दैट यू नो यू वुड हैव नॉट इमेजिन, राइट? हाँ हाँ, उसमें मुझे इतना अच्छा लगा कि वो कुछ वो कि महिलाएं हों, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार लोग हों, बच्चे हों, एसटीएससी से आते लोग हों, अंडर प्रिविलेज हों, उनके लिए वो कानूनी सहायता देने की कमेटी है। तो मुझे लगा इसके लिए अगर इतने पढ़े लिखे लोग बोल रहे हैं तो बड़ी तो मौका है बतौर अभिनेता कि हम थोड़ी अवेयरनेस का भी काम कर लें।